दिल्ली में पिछले 7-8 सालों में वायु प्रदूषण में बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ पूरे देश में अगर देखें तो हर शहर में एयर पोल्यूशन की स्थिति खराब ही होती जा रही है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार की कामों की वजह से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के संघर्ष, मेहनत और सहयोग की वजह से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन कम हो रहा है। अगर 2016 से 2022 के बीच में देखें तो 30% पोल्यूशन में कमी आई है, जो बहुत बड़ी बात है। इसी दौरान 2016 में जो सीवियर कैटेगरी के दिन होते थे, 365 में से वो 26 दिन सीवियर कैटेगरी होता था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था, 400 से ज्यादा होता था एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 2022 में घट के केवल 6 रह गया है, जो बहुत बड़ी बात है। और अगर इन दोनों सालों में देखें तो वेरी पुअर और सीवियर दोनों मिला के, वेरी पुअर और सीवियर 2016 में 124 दिन होते थे, जो कि घट के लगभग आधे रह गए, 2022 में 72 दिन रह गए। अच्छी तरफ आए तो 2016 में सेटिस्फैक्ट्री, गुड और मॉडरेट 109 दिन होते थे, ये 2022 में बढ़ के गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट 163 दिन हो गए, अच्छे दिनों की वो बढ़ गई है। ये सब हुआ, कई सारे स्टेप्स लिए हैं हम लोगों ने। आप लोग देखते हैं कि जैसे सर्दियों में हम लोग विंटर एक्शन प्लान बनाते हैं, ऐसे ही पिछले साल से हमने गर्मियों में समर एक्शन प्लान बनाने चालू किए, क्योंकि जब से हमने रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी शुरू की है, हमने ये रियलाइज किया है कि सर्दियों में पोल्यूशन के कारण अलग हैं और गर्मियों में पोल्यूशन के कारण अलग हैं। सर्दियों में पोल्यूशन के कारण मोस्टली हमने देखा कि मौसम में बदलाव के कारण होता है, पराली जलने की वजह से होता है, पटाखों की वजह से होता है, गाड़ियों से उठने वाले धुओं की वजह से होता है, और ठंड की वजह से जो लोग अपना वो ओपन बर्निंग करते हैं उसकी वजह से होता है। ये सर्दियों में होता है। गर्मियों में देखने को मिला कि इनमें से कई सारे कारण नहीं होते। गर्मियों में खासकर कूड़े के पहाड़ जो हैं वहां पे आग लग जाती है, जगह जगह कई बार अपने आप झाड़ियों में आग लग जाती है। तो हम आज समर एक्शन प्लान अनाउंस कर रहे हैं, जो कि इस बार जिसमें इमीडिएट कुछ स्टेप्स भी होंगे और लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी होंगे। ये 30 सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के ये समर एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, डीपीसीसी है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दिल्ली कैंटोन बोर्ड है, सीपीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, डीटीसी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीएसआईडीसी है, एजुकेशन है, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ये प्लान बनाया है। इसके 14 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला है कि डस्ट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इस दौरान समर्स के अंदर देखा गया है। तो इसमें हमने लगभग 84 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जा रही हैं, ताकि सड़कों की स्वीपिंग मशीनों से कराई जा सके, और 609 पानी के स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 185 मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी लगाई जा रही हैं। ये तो वो हैं जो अभी हमारे पास हैं। इस बार बहुत बड़े स्केल पे हम लोग 70 इंटीग्रेटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर मशीनें खरीद रहे हैं। इससे पूरी दिल्ली की, खासकर जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वो सारी की सारी मैकेनिकल स्वीपिंग होनी चालू हो जाएगी। जितनी छोटी सड़कें हैं नगर निगम की, उसके ऊपर पानी का छिड़काव शुरू हो जाएगा। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पानी का छिड़काव हुआ करेगा। इससे मिट्टी जो है वो सेटल हो जाएगी, मिट्टी उड़ना बंद हो जाएगी। इसके अलावा पूरी दिल्ली में दोपहर के टाइम 225 और रात के टाइम 159 पेट्रोलिंग टीम्स लगाई जा रही हैं, जो देखेंगी कि कोई ऐसे सोर्सेस तो नहीं है जहां से मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी उड़ने के उनको रोकने की कोशिश करेंगे। 13 आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे हम रियल टाइम अपोर्शनमेंट स्टडी जो है उसके जरिए हम उन 13 स्पॉट्स पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से मिट्टी उड़ रही है।
एक नया रूल बनाया गया कि 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्या जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हम क्लोज नजर रखेंगे कि वहां से तो मिट्टी नहीं उड़ रही। तो अभी तक 750 ऐसे साइट्स ने रजिस्टर करवाया है और उनके ऊपर सरकार नजर रखे हुए है। इसके अलावा जितना ओपन बर्निंग है, खुले में कूड़ा जलाने की जो प्रथा है, इसको रोकने के लिए 220 पेट्रोलिंग टीम्स बनाई गई है और रात को 176 पेट्रोलिंग टीम्स बनाई गई है। और लैंडफिल पे फायर कंट्रोल करने के लिए एक SOP तैयार किया गया है जिसको लागू करवाया जाएगा ताकि लैंडफिल के ऊपर आग ना लग सके। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वो आप लोग जानते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रियल जो रजिस्टर्ड यूनिट्स है उसमें PNG यूज हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर अवैध रूप से कचरा डंप किया जाता है, उसको रोकने के लिए DPCC और DSIDC की 33 टीम्स बनाई गई हैं जो कि यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है कि उनका कलेक्शन और इनका डिस्पोजल जो है वो साइंटिफिक रूप से किया जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब MCD में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, MCD के साथ मिलके दिल्ली के पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करने की प्रक्रिया तैयार की जा रही है। रियल टाइम अपोर्शनमेंट स्टडी जो है वो आप लोग जानते हैं कि उसकी मदद से हम एग्जैक्ट लोकेशंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल एयर लैब जो है वो हम जो 13 हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ एक एक हॉटस्पॉट पे मोबाइल एयर लैब ले जाएंगे और वहाँ का डेटा इकट्ठा करके 15 मई को दिल्ली सचिवालय के अंदर एक मीटिंग होगी सारे डेटा को स्टडी करके एग्जैक्ट लोकेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए। इस साल ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 52 लाख पौधे लगाने का टारगेट है जिसमें 42 लाख पौधे समर के दौरान ही लगाए जाएंगे और इनमें से 4 लाख पौधे जो हैं वो फ्री में बांटे जाएंगे लोगों को। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, उसमें अब ये कोशिश की जा रही है कि जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो बचे रहें, जीवित रहें, उसके ऊपर अब जोर दिया जा रहा है और इसके लिए स्पेशल टीम्स का गठन किया जा रहा है। सिटी 7 सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं, इनमें अनुकूल ट्रेल, साइकिल मार्ग, पक्षी देखने के डेक, कैनोपी वॉक, इन सब का इंतजाम किया जाएगा। अर्बन फार्मिंग के लिए 400 अर्बन फार्मिंग की वर्कशॉप्स की जाएंगी और इसमें लोगों को फ्री प्रशिक्षण किट दिए जाएंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि जल बोर्ड के साथ मिलके बहुत सारे बड़े लेवल पे दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाने का, बहुत सारी झीलों का भी आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं, जो ऐसी लेक्स हैं जो डेड हो गई हैं उनको भी विकसित किया जा रहा है। पार्कों को विकास करने के लिए अब NDMC और MCD दोनों के साथ मिलके मैंने उनको टारगेट तो दिया है जबकि कम से कम आधे एकड़ से ज़्यादा के जितने पार्क हैं वो सारे पार्कों का विकास, ऐसे लगभग 3,500 पार्क हैं उनका विकास कम से कम दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए, और बाकी टोटल 17,000 16-17,000 पार्क हैं MCD के, वो हम कोशिश करेंगे अगले अगले साल मार्च अप्रैल तक सारे डेवलप हो जाएं। ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है होलम्बिक कला में 20 एकड़ की जमीन में, ये अपने आप का पहला पार्क होगा इस किस्म का पूरे देश में। 2,000 स्कूल्स और कॉलेजेस में इको क्लब चल रहे हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती रहती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हवा कोई किसी की नहीं है, दिल्ली की हवा अलग नहीं है, हरियाणा की अलग नहीं है, हरियाणा की उड़ के इधर आ जाती है इधर क्यों, तो आसपास के सारे पड़ोसी राज्यों के साथ भी हम लगातार इंटरेक्शन करते रहते हैं कि उनके जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो CNG हों, ईंटों के भट्ठों से जो प्रदूषण आता है उसमें कमी हो, आसपास के दिल्ली के आसपास के जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें प्रदूषण में नियंत्रण हो, जो दिल्ली के ट्रक नहीं है वो दिल्ली के बाहर से निकलें, इन सब चीज़ों के ऊपर पड़ोसी राज्यों से हम लोग संपर्क में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही इसमें कई सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे वो भी हैं जो विंटर एक्शन प्लान में भी थी, समर एक्शन प्लान में भी हैं, और ये इस इतनी क्लोज निगरानी रखने की वजह से ही दिल्ली की आबो हवा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी दिल्ली के अंदर पिछले साल 6 दिन थे जो सीवियर कैटेगरी में थे और 66 दिन थे जो वेरी पुअर थे, 72 दिन थे, जल्दी 2-4 साल के अंदर एक भी दिन नहीं होना चाहिए जो सीवियर कैटेगरी और वेरी पुअर कैटेगरी में हो।